वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। प्रियंका, अभिजीत, अभिषेक, नेहा, तनु, हरीशा, अभिराज, श्रुति, प्रद्युमन, कुणाल, श्रुति, सबका बहुत बहुत स्वागत। अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, या उन सब एग्जाम्स में जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है विद डिटेल्ड एनालिसिस, उन सबका स्वागत है टीम निष्ठा, करंट अफेयर्स 100 बाय टीम निष्ठा पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वाली न्यूज है, बहुत सारी फैक्चुअल न्यूज है, और शुरुआत करते हैं सेशन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, आई एम लाउड एंड क्लियर? श्रुति, प्रद्युमन, मिथिलेश, सिद्धांत, अमन, प्रसन्नजीत, केशव, प्रियंका, तनु, अरिजीत, मिथिलेश, सबका बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरीबॉडी कैन ज्वाइन और इस सेशन का लाभ उठा सके सब लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर सेशन शुड रीच टू द फार्देस्ट एरियाज ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू अमित, इट्स एन ऑनर टू मीट। तो ये ऑनर के साथ इतने बड़े बड़े दांत क्यों दिख रहे हैं? ठीक है, चलिए एनीवेज तो शुरुआत करते हैं आगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट डीएसएफ। बाकी थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में मैंने लिखा है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। जो भी रात वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो अभी 2 घंटे में सो जाएंगे उनके लिए गुड गुड इवनिंग। ठीक है जी, सो ये है आपका टीम निष्ठा ऐप, जिस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे क्विजेज हैं, फ्री क्विजेज भी हैं, पेड क्विजेज भी हैं। जाइए और उसको चेक कर लीजिए। जो पेड क्विज है उसमें ये है कि लगभग 1000 से ज्यादा टेस्ट हैं, छोटे बड़े। ठीक है, तो प्लीज गो एंड जस्ट चेक आउट दोज टेस्ट। 1 साल की उसकी वैलिडिटी है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। सो दिस इज, यहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा टेलीग्राम। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप सीधा जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज जीएस बाय संदीप बंसल को सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। फेसबुक, इंस्टा पर आप जुड़ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सेशंस हैं ये आप उस पर भी शेयर करें। जब जागो तभी देखो फौज, हाँ फौज में बोलते थे, ठीक है, कि हम जो है क्या कहते हैं, रात वाली फौज है। सो एनीवेज, शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। पहली न्यूज जो है इजराइल से आ रही है, इजराइल की न्यू पार्लियामेंट और 25th नीसेट। अब सीधा सीधा एक जो एफकैट का या जो वनडे एग्जाम्स है उनमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि नीसेट कहाँ की पार्लियामेंट है, सो दैट इज इजराइल। सॉरी, तो यहाँ के जो लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू, वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनने तय हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। टोटल नीसेट में टोटल 120 सीट्स हैं और इस 120 सीट्स में लगभग 64 सीटें जो कॉलिशन है, गठबंधन है, इसने जीत ली है और इन्होंने अपना नेता मिस्टर नेतन्याहू के रूप में चुन लिया है। तो लगभग 14 महीने पहले वो सत्ता से बाहर हुए थे, अब वो दोबारा से सत्ता में आने जा रहे हैं। थोड़ा सा नीसेट के बारे में देख लेते हैं। तो नीसेट एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल का मतलब होता है सिंगल हाउस, यूनिक का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, तो एक ही सदन है। जैसे भारत में हमें क्या मिलता है, बाइकैमरल मिलता है, दो सदन मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो यहां पर सिंगल है। दिस इज अ सुप्रीम स्टेट बॉडी, इट इज अ सॉवरन, और इसका कंप्लीट कंट्रोल है पूरी की पूरी इसराइली सरकार पर। और इसके अलावा इसका मेन काम क्या है, इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये कानून पास करती है। और इसके अलावा स्टेट कंट्रोलर को चुनना, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो एक कह लीजिए लेजिस्लेटिव बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं वो ये पूरे करती है। और ये जीवत राम जेरूसलम में इसका कह लीजिए सीट है, दैट इज नीसेट। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग अपूर्वा, सौम्या, सबका जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले सेशन को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो नीसेट पार्लियामेंट आपका रिसेंटली इलेक्शन हुए थे 1 नवंबर को।
नेतन्याहू का जो कोलिशन है, बेंजामिन नेतन्याहू का, वो जीत गया है और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने पार्टनर से वहां पर बातचीत चल रही है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया बाली इंडोनेशिया में। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ रे ऑफ होप, मतलब उम्मीद की किरण भारत में है, भारत में पूरी दुनिया एक उम्मीद की किरण देख रही है। 21st सेंचुरी में भारत जो है अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पर आगे बढ़ रहा है अपने टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की वजह से। रिसेंटली हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है मेडिसिन में, वैक्सीन में, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, और पूरी दुनिया को उसका बेनिफिट मिला है। क्लोज कल्चरल टाइज के बारे में बात करते हुए इंडोनेशिया, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां के साथ भारत का क्या कनेक्शन है उसके बारे में जरूर बात करते हैं। सो ही सेड कि देयर इज सो मच अबाउट इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव इन कॉमन। एक पर्टिकुलर कह लीजिए फेस्टिवल की भी बात की उन्होंने कि उड़ीसा में आपका एक फेस्टिवल होता है बाली जत्रा महोत्सव। तो उन्होंने कहा कि अब जहां पर अभी खड़े हैं बाली में, इंडोनेशिया में, यहां से 1500 किलोमीटर दूर भारत में उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है, और ये फेस्टिवल इस चीज को सिग्निफाई करता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के ट्रेड रिलेशंस कितने अच्छे रहे हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कमेंट सेक्शन बॉक्स में इंडोनेशिया किसकी कॉलोनी रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया, हम कहते हैं कि जी ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, तो इंडोनेशिया किसकी कॉलोनी रहा है कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार जल्दी से लिख दो। सो एक तरफ भारत में ग्रैंड राम टेम्पल, कह लीजिए राम मंदिर बन रहा है, एंड इंडिया जो है प्राउडली रिमेंबर द रामायण ट्रेडिशन ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो। तो इस चीज के बारे में बात की। इसके अलावा इंडिया ने 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री भी शुरू किया था, जब यहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और भारत ने इंडोनेशिया की सरकार को हेल्प भी की है। डच, यस, ये आजकल हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन, ब्रिटिश या उस समय पर जो इंग्लिश थे और डच थे, आपस में उनकी संधि हुई, या कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बनी कि इंग्लिश जो है इंडिया में रहेंगे और डच जो है रहेंगे वहां पर इंडोनेशिया में, जिसको वो ईस्ट इंडीज भी कहते थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का दिन, ठीक है नोट कर लीजिए, आज का दिन जो है सबको 800 करोड़ हो गए हैं हम, मतलब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 800 करोड़ हो गए हैं। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन पीपल टुडे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन डायरेक्टर जॉन विलमथ, उनका ये कहना है कि ये एक साइन है ह्यूमन सक्सेस का, बट इट इज ऑल्सो अ ग्रेट रिस्क फॉर आर फ्यूचर। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक रिस्क के रूप में ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको कि किस तरीके से, कि ये आपका एक दुनिया के लिए एक चैलेंज उभर कर आ रहा है। नहीं, कोरोना भी पॉपुलेशन को नहीं रोक पाया ऐसा नहीं है, अभी रीसेंट टाइम्स में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो पॉपुलेशन बढ़ने की जो रेट है वो कम हुई है ओवरऑल वर्ल्ड में, ऐसा कहा गया। इंडिया अब एक इसमें ये भी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगले साल 2023 में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। देखिए पहले ये कहा जाता था कि 2030 में, फिर एक एस्टिमेट आया 2027 का, अब ये कह रहा है कि हम और तेजी से आगे बढ़ते हुए अगले साल ये नंबर वन का तमगा जो है जल्दी ही अचीव कर लेंगे। 150 करोड़, ओके एक बार जल्दी से कमेंट सेशन को शेयर भी कर लो। एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो स्लोएस्ट रेट से ग्रो कर रही है सिंस 1950, मतलब अगर मैं पिछले 70 सालों की बात करूं तो 70 सालों में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ठीक है, एक बार थोड़ा फोकस करते हैं। अब पहले तो थोड़ा सा इसका एक फनी साइड देख लेते हैं, ठीक है, जो आज इस न्यूज के बाद कुछ मीम सर्कुलेट हो रहे थे, तो एक मीम देख लेते हैं। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि स्टिल सो मेनी सिंगल्स आर देयर वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अब किसी ने रिप्लाई किया कि भाई साहब
दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ हो गई और तुम अभी भी सिंगल चल रहे हो। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि ड्यू टू लॉन्गर लाइफ स्पैन और रैपिड ग्रोथ ऑफ सब नेशंस इन एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, अब यहां पर कह सकते हैं कि जो सिल्वर लाइनिंग है, मैंने आपको बताया ग्रोथ रेट सबसे कम है, ठीक है। सो द लार्जेस्ट प्रोजेक्शन बाय यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल पॉपुलेशन कुड ग्रो टू अबाउट 850 करोड़, ठीक है जी, 850 करोड़, और 970 करोड़, भाई साहब समझ रहे हो, कह रहे हैं अभी 170 करोड़ और ऐड होने हैं अगले 30 सालों में, 30 भी नहीं 28 सालों में, भाई साहब 170 करोड़ पूरी दुनिया में और ऐड होने हैं, और ये 1040 करोड़ पहुंच जाएंगे, मतलब और अगले 80 सालों में 200 करोड़ प्लस ऐड होने हैं, या कहूं तो 240 करोड़ अभी और ऐड होने हैं। ठीक है जी, यस। अब ये जो भी है, देखो जिसको जिस पर लगा वो अपने हिसाब से सोच ले, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। एनीवेज, अब यहां पर ना मैं थोड़ा सा आपको एक मालथस थ्योरी के बारे में बताऊंगा। मालथस थ्योरी, ये आपका ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो ज्योग्राफी की पेड क्लासेस है उनमें तो हम डिस्कस करते ही हैं, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर लेता हूँ कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से देखा जा रहा है और क्यों एक कंसर्न है ये, ठीक है, और पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा है, मतलब आप देख के हैरान रह जाएंगे जो डाटा है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए ये कहा जा रहा है अब 2040 में लगभग हम यहां पर कहीं हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन देखिए, ये वाला जो आपको ग्रोथ रेट दिख रहा है ये अफ्रीका का है, अफ्रीका की पॉपुलेशन जो है 2100 तक भी ग्रो करती रहेगी, ठीक है, 2100 तक भी ग्रो करती रहेगी, और बाकी जगह की जो पॉपुलेशन है वो लगभग आपको कांस्टेंट मिल जाएगी बियॉन्ड अ पॉइंट। इवन इंडिया के केस में भी ये कहा जा रहा है कि 2070 तक जो है जो हम कह लीजिए पीक को टच करके नीचे जाना शुरू कर देंगे, मतलब उसके बाद हम विल बी, अब रिप्लेसमेंट रेशो खैर हम पहले ही अचीव कर लेंगे। अच्छा, एनीवेज एक पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि 2070 के बाद जो पॉपुलेशन का भी पीक आना शुरू होगा। हाँ जी, विधि ने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉपुलेशन ग्रो करेगा। अब ये देख लो कि 1803 में, आज से मात्र 220 साल पहले, मात्र 220 साल पहले पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मात्र 100 करोड़ थी। आज से 220 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी, मात्र 100 करोड़, और 100 से 200 करोड़ होने में लगे 124 साल, ठीक है जी, 1927 में 200 करोड़ हुए, फिर अगले 100 करोड़ ऐड हो गए 33 सालों में। अब ये जो 1927 के बाद ये जो जंप आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है, कह लीजिए कहा जाता है कि हेल्थ फैसिलिटीज का बढ़ना, और बर्थ रेट अभी भी हाई चल रहा था, ठीक है, फिर अगले 100 करोड़ 15 साल में, फिर 12 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि 1927 में 200 करोड़ हैं और अभी 2022 मतलब 95 ईयर्स में 600 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, या अगर मैं कहूं तो 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है 800 करोड़ 95 सालों में, मात्र 95 इयर्स में। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में अनपैरलल्ड है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में अनपैरलल्ड है। सर मेरा 3 OSBM मेरे लिगामेंट इंजरी है, केशव अटवाल, इसके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे, लेट मी फिनिश विद दिस न्यूज, योर सेशन के आखिर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर 200 करोड़ से लगभग 800 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, या फिर एक डाटा और देख सकते हो, देखो ये 1800 है, ठीक है, 1803 में लगभग हम, मैंने आपको बताया कि 100 करोड़, फिर ये पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है जो कि 800 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। अब मालथस थ्योरी क्या कहती है कि अब ये व्यक्ति ने उस समय पर
जब दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ के लगभग थी, 1803 के लगभग ही ये कह दिया था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, और जो फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, इसकी वजह से एक इम्बैलेंस आएगा पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में। अब इसको, इस इम्बैलेंस को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इस चार्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी, और ये आपको यहां पर, तो ये यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहीं तक पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंटिव चेक एंड पॉजिटिव या नेचुरल चेक। अब प्रिवेंटिव चेक क्या है, या तो शादियां लेट हो, ठीक है, या शादियां ना ही हो, मॉरल रिस्ट्रेंट, और पॉजिटिव या नेचुरल। अब यहां पर पॉजिटिव का मतलब उस पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं, पॉजिटिव मतलब जो कुदरत अपने तरीके से इसको मैनेज करेगी, दैट इज फेमीन, ठीक है, फेमीन्स आएंगे क्योंकि खाना नहीं होगा प्राप्त, और एपिडेमिक्स आएंगे, और कहीं ना कहीं इस पैंडमिक को हम अभी देख रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये पैंडमिक्स जो अभी हमने 100 साल बाद देखा, ये बहुत मतलब अब रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। और वॉर्स, ठीक है, अल्टीमेटली वॉर्स भी एक बहुत बड़ा कारण है, कैसे कह लीजिए, रिसोर्सेज के बीच में मिसमैच, ठीक है, रिसोर्सेज के बीच में मिसमैच, और इसकी वजह से लड़ाई होते हुए हम देख रहे हैं। मैं भी सीक्वेंस एंड सीरीज चल रही है और लोग बोल रहे हैं इलिटरेसी इज अ कॉज ऑफ, ओके सर हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, 140 करोड़ हम भी क्रॉस कर चुके हैं। अब यहां पर ये है कि हमें, इसीलिए यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है, खासकर अगर हम बात करें हमारे देश में और डेवलपिंग कंट्रीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इसको कंट्रोल किया जाए, शादियां ना होने से, ओके हाँ बात तो सही है, ठीक है जी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जितना मतलब डिले हो सके। दो इंडिया के केस में हम ये कहते हैं कि हमने ऑलरेडी जो रिप्लेसमेंट लेवल, जिसको 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेशो जो है, बट हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वही इतनी है कि अगर जो दो बच्चों की बात की जा रही है या 2.1 रिप्लेसमेंट रेशो को भी अचीव करते हैं, तो भी हमारी पॉपुलेशन मिनिमम 2045 तक बढ़ेगी, ठीक है, जो कहा जा रहा है कि पीक करेगी 170 करोड़ तक, तो अभी हमारी पॉपुलेशन में और 30 करोड़ ऐड होने बाकी हैं, ठीक है, अभी और हमारी पॉपुलेशन में एज पर वन एस्टिमेट 30 करोड़ लगभग ऐड होने बाकी हैं, ठीक है, तो कंपटीशन आने वाली जनरेशन के लिए और बढ़ेगा। चलिए आगे चलता हूं, ये हो गई है ये पॉपुलेशन वाली न्यूज, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस कर ली। तो इसमें मालथस थ्योरी थी, पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो कैसे की है, इंडिया की पॉपुलेशन, ये सारी मैंने चीजें डिस्कस कर ली, टोटल फर्टिलिटी रेशियो डिस्कस कर ली। अगली न्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दुनिया की दो बड़ी पावर्स आज के समय में, यूएस और एक तरफ चाइना, दोनों के राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं बिल्कुल खुश मिजाज तरीके से, पर दोनों एक दूसरे को सिग्नल भी देते हैं कि भाई साहब ऐसा है, रेड लाइन मत क्रॉस कर देना। तो यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, शी जिनपिंग अब नए उत्साह के साथ हैं क्योंकि तीसरा टर्म है, और ये कहा जा रहा है कि माओ जीडोंग और डेंग शाओपिंग के बाद तीसरे सबसे बड़े लीडर के रूप में को देखा जा रहा है चाइना की हिस्ट्री में, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन, इन पर्सन मतलब आमने सामने बिल्कुल, ठीक है, जब से बाइडेन ने ऑफिस संभाला है लास्ट ईयर जनवरी से, तो लगभग 2 सालों में पहली बार ये मिले हैं, और दे सेड कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, हमने ताइवान पर भी बातचीत की। चाइना के राष्ट्रपति जब मिले बाली इंडोनेशिया में, अब सीधा सीधा ये कहा गया कि हमें चाइना और यूएस के रिलेशनशिप को सुधारने की जरूरत है, बट अब ये कहा गया कि किस तरीके से दोनों देश अपने डिफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जब यूएस से पूछा गया तो यूएस ने ये कह दिया कि हाँ हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, और चाइना ने भी ये कह दिया कि ये रेड लाइन है ताइवान, अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो इसके बाद इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, तो ये मतलब। और इसके अलावा चाइना ने एक और बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग, चाइना ने क्या कहा कि देखिए जो आपकी डेमोक्रेसी है वो अमेरिकन वे ऑफ डेमोक्रेसी है,
हमारे भी डेमोक्रेसी है, मतलब चाइना के अकॉर्डिंग चाइना में भी डेमोक्रेसी है, वो चाइनीज वे ऑफ डेमोक्रेसी है। अमेरिकन वे ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका के लिए अच्छी है, हमारी हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। और जो आप हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो कोई भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें कही गई हैं चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा। सो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टोल्ड जो बाइडन ड्यूरिंग द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग कि ताइवान क्वेश्चन जो है वो वेरी कोर ऑफ चाइनाज कोर इंटरेस्ट है, चाइना के कोर इंटरेस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये पहली रेड लाइन है अगर अगर आप चाहते हैं कि बायलेटरल टाइज ठीक हो। चलिए लेट्स सी क्या होता है। सो एट अ मीटिंग हेल्ड ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ बाली द फर्स्ट बिटवीन द टू लीडर्स सिंस बाइडन बिकेम द, देखो अब दोनों पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव यूएस का है, यूएस ये कहता है कि जी हम ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, ठीक है जी, हम ताइवान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनका अधिकार है, कहते हैं ना राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन के हम किस वे जाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या नहीं। अब जो चाइनीज वे ऑफ थिंकिंग है वो ये कहता है कि जी यूएस कुछ नहीं, अपने हथियार बेचना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है, जैसे यूक्रेन में बिना सिपाही उतारे अपना ये हथियार बेच रहे हैं, वैसे ही ये ताइवान को हथियार बेचना चाहते हैं। ये चाइनीज वर्जन या रशियन वर्जन आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों व्यू पॉइंट बताने की कोशिश की है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मोर रीड अबाउट इट, ठीक है। चलिए, शी अर्ज द यूएस लीडर टू ट्रांसलेट द यूएस कमिटमेंट्स मेड टू द बीजिंग रिगार्डिंग ताइवान इनटू कंक्रीट एक्शन। अब शी ने अर्ज किया यूएस लीडर को, मतलब जो बाइडन को, कि वो अपनी यूएस की जो कमिटमेंट है, देखिए यूएस ऑफिशियली क्या कहता है, वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। तो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई है इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी, और ये भी कहा गया कि डेलिबरेटली जो चाइनीज कंपनीज को रोक लगाई जा रही है, एक ट्रेड वॉर शुरू करने की बात की जा रही है, इससे भी यूएस को बचना चाहिए, ऐसा चाइना का कहना है। इससे चाइना रशिया रिलेशन फर्क पड़ेगा ना, इससे चाइना रिलेशन तो चाइना और रशिया के रिलेशन तो इस समय पर बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि कॉमन एनिमी यूएस खड़ा है सामने, ठीक है। इतनी बात चाइना ने कह दी तो यूएस ने हाँ जी इतनी बात चाइना ने कह दी है, ठीक है जी, बिल्कुल कह दी है चाइना के पास इस समय पर। देखो 1997 में भी इन्होंने कोशिश की थी, बट उस समय पर चाइना के पास कहते ना फ्लेक्सिंग द मसल, उनके पास उस समय पर मसल पावर नहीं थी, आज है चाइना के पास वो मसल पावर। तो चाइना ने वो चीज कही, बिल्कुल ताल ठोक के कही। अब इस सवाल उठता है कि किस तरीके से आगे ये चीजें रहेंगी, ठीक है जी। नैन्सी पेलोसी लविंग इन द कॉर्नर, सर जी चाइना में यूपीएससी है, सर जी चाइना में यूपीएससी है क्या, चाइना को ओके अच्छा चाइना को पढ़ पढ़ कर चाइना, नहीं नहीं देखो चाइना को नहीं पढ़ा आपने, आपने इस ग्लोबल कंटेक्स्ट को पढ़ा है, ठीक है। ये वो बात हो गई कि जैसे आजकल हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि हम जब जब खासकर लेटर मुगल्स के समय पर हमें लग रहा था कि हाँ हमें दुनिया से क्या लेना देना, ठीक है, हमें इंडिया को देखना है, नहीं जी हमें वर्ल्ड सिनेरियो भी पता होना चाहिए और उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं, अगर नहीं आप उसके बारे में जानेंगे तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे और फिर आपको कोई जो है नचाने लगेगा, प्ले करने लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी सारी चीजों को समझें, ठीक है, और अपने मतलब जैसे कहते हैं ना इंडियाज इंटरेस्ट को आगे रखें हम भी। चलिए आगे चलते हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू होल्ड एन अर्जेंट सेशन ऑन ईरान प्रोटेस्ट। सो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अनाउंस किया कि ये एक अर्जेंट सेशन बुलाएगा ईरान को लेकर, जहां पर ब्रूटल क्रैकडाउन चल रहा है ऑन मास प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर, और इस सेशन को बुलाने के लिए 47 मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उस 47 मेंबर्स के 1/3 मेंबर्स जो हैं अगर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर देते हैं, दैट इज 16 मेंबर्स, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाया जा सकता है उस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए, जो कि उम्मीद है कि 16 मेंबर्स इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में हो जाएंगे। अब यहां पर टारगेट जो है ना, आप ये समझिए कि जियोपॉलिटिक्स को ईरान को तो टारगेट कर ही रहे हैं, ईरान के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना को भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है जी।
आगे चलते हैं नेशनल न्यूज में। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, मिले फिनिश मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर पेत्री हेनोकन न्यू दिल्ली में, और कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई, स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम्स में किस तरीके से एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, बायलेटरल रिलेशंस की बात की गई, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रंटियर रिसर्च। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो उभर कर आता है, या कह लीजिए जो सरकार की थिंकिंग है, वो आपकी ये थिंकिंग है कि किस तरीके से हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने ये बहुत मतलब इस चीज को बढ़ चढ़कर कहा है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस को यहां पर अलाउ करेंगे, ठीक है, जिसको लेकर ऑब्वियसली फिनलैंड ने भी अपनी सहमति जताई है या कहा है कि हाँ जी हम भी इस चीज में भारत सरकार को फेवर करते हैं। So also informed that the government is coming up with a policy to allow foreign universities to set up campuses in India soon. तो ये आपका पेपर टू का क्वेश्चन बनता है। पेपर टू के लिए कल या परसों या जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो 12 बजे और 8 बजे वाला डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप इस टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने चाहिए भारत में, या इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस का यूनिवर्सिटीज का इंडिया में कैंपसेस खोलना या इंडिया में अपनी ब्रांचेस को खोलना, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है, मतलब उसके फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं प्रोबेबल जो आपको लगता है उसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफी रेलिवेंट, मतलब क्योंकि इस पर काफी सालों से चर्चा चल रही है, ठीक है, तो इस पर भी आई वुड लाइक कि आप ग्रुप में डिस्कशन करें, ठीक है जी। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। आज का दिन जो है बिरसा मुंडा, या कह लीजिए भगवान बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है। तो 15 नवंबर लास्ट ईयर भारत सरकार ने इसको तय किया कि हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ताकि जो जनजातीय समाज है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत में, भारत की प्रगति में, उसको सराहा जा सके और ट्राइबल्स को एम्पावर किया जा सके, भारत को बदला जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके। सो डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है जी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक मैनुअल रिलीज किया है पेसा एक्ट का। अब ये पेसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रिलीज किया है मैनुअल ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एक्ट, जो कि देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 74th में म्यूनिसिपैलिटीज को वो दिया गया। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही आगे ले जाते हुए पंचायत जो कह लीजिए सिस्टम है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया मतलब ट्राइबल एरियाज तक इसको एक्सटेंड किया गया विद सर्टन मॉडिफिकेशंस। तो आज क्योंकि जो दिन है, जो जनजातीय गौरव दिवस है, आज ही के दिन ट्राइबल प्राइड डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश में। इसके तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जनजातीय एरिया हैं या शेड्यूल एरियाज हैं, उनको कुछ पावर्स दी गई, जैसे इंपॉर्टेंट वर्क्स लाइक सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू वर्क्स, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाए ट्राइबल्स को फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इजी कर दिया गया है, या कह लीजिए जो वहां की ग्राम सभा है उसको पावर्स दी गई है। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि इससे उनका ट्राइबल्स का, जनजातीय समाज का सशक्तिकरण होगा, और इसको लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पेसा रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा विद द सोशल हार्मनी। यस, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट, नहीं जी श्रुति, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, बिल्कुल ठीक, ठीक है प्रियंका, गुड। So, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिन के विजिट पर हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया रतापानी ओबिदागंज इतारसी 4-lane प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लेकर एक मैक्सिमम माइक्रोबियल कंटेनमेंट लेबोरेटरी भी ग्वालियर में एस्टेब्लिश की गई, और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कन्वेंशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे कल को। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि इंडिया ने पिछले 8 सालों में स्टील सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा ग्रोथ की है। 8 साल पहले हम नेट इंपोर्टर थे, अब हम नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं, मतलब पहले हम आयात कर रहे थे, अब हम निर्यात करने लगे हैं,
आठ साल पहले हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे स्टील के, अब हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुके हैं स्टील के। लगभग आठ साल पहले जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी वो 57 या कह लीजिए 58 केजी थी, जो कि 78 केजी हो चुकी है लगभग, जिसमें कि कहा गया कि ग्रोथ ऑफ 50%, नॉट एग्जैक्टली 50% अगर आप देखेंगे, लेस देन दैट, बट स्टिल इट इज बीइंग रिटर्न। और इसके अलावा ये कहा गया कि इन केस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टील द कंट्री हैज मूव्ड फ्रॉम 100 मिलियन टन्स टू ऑलमोस्ट 150 मिलियन टन्स। अब यहां पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोर सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उसमें आठ सेक्टर्स आते हैं। उन आठ सेक्टर्स में आपका स्टील इज ऑल्सो वन ऑफ द सीसीसी फ्रेंड्स। मैंने आपको इसकी ट्रिक पहले भी बताई है, सीसीसी फ्रेंड्स, जिसमें स्टील इज वन ऑफ द कोर सेक्टर। और स्टील की प्रोडक्शन का बढ़ना कहीं ना कहीं देश की प्रगति या किसी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का या मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क माना जाता है। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ होना डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी के लिए इज अ बेटर थिंग। एग्रीकल्चर में इंडिया ने अच्छा किया है, ठीक है जी, सीसीसी फ्रेंड्स। अच्छा, ये सीसीसी फ्रेंड्स को लेकर एक बार जल्दी से कई बच्चों को नहीं क्लैरिटी है, इसको इलेबोरेट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि सीसीसी फ्रेंड्स क्या क्या है। ठीक है जी, एफ से फर्टिलाइजर है, ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स, कोल, सीमेंट, लिखो जल्दी से, हाँ जी, ई से इलेक्ट्रिसिटी, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एच से स्टील हो गया, एन से नेचुरल गैस, ऑलरेडी डन बिस्वान मानजी, क्या बात है, हाँ जी, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, ठीक है जी, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी, ठीक है जी, यस दैट इज रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील। ठीक है, तो ये आपके आठ कोर सेक्टर्स हो गए, आई होप ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, आईआईपी की बात करते हैं, तो उस आईआईपी में 40% ये आठ सेक्टर कंस्टिट्यूट करते हैं। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, बट उससे रिसेशन भी आ जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना? राजा घरई, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे, कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाता है। चलिए आज के सेशन में ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने, मतलब इन्फ्लेशन कम आ रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन कम आई है, उसको लेकर एक न्यूज है, तो उसमें मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी हम इकोनॉमी पे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेवेंथ एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। तो मणिपुर फॉरेस्ट अथॉरिटी सेवेंथ एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल तामलोंग डिस्ट्रिक्ट इम्फाल में ये सेलिब्रेट कर रही है। सो मणिपुर फॉरेस्ट अथॉरिटी का जो मकसद है वो जागरूकता डेवलप करनी है, ठीक है जी, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अमूर फाल्कन। ये दुनिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है। डे लॉन्ग फेस्टिवल दैट जनरली सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, ताकि ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, आप देख सकते हैं अमूर फाल्कन, द अमूर फाल्कन फेस्टिवल विल बी अटेंडेड बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर, वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एंड कुल मिला के यहाँ पर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स कम टुगेदर शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज। ओके ओके, ये चतुर जो है ये कहां से आ गया? Encourage all stakeholders in protecting the species. Also make the present generation feel compassionate about Amur Falcon and the wildlife. ठीक है जी, तो कुल मिला के अमर फाल्कन को लेकर फेस्टिवल कहां पर है? दैट इज मणिपुर। ठीक है जी, दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट है आपका वांगला फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो वांगला फेस्टिवल मेघालय का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, गारोज। ठीक है, तो मेघालय में तीन मेजर हिल्स हैं, गारो, खासी और जेंतिया। गारो, खासी, जेंतिया, तो इसकी ट्रिक है, गरारे करने से खासी जाती है।
ठीक है, गरारे करने से खांसी जाती है, सो गारो खांसी जयंतिया, ठीक है। तो गारोज जो है, गारो ट्राइब जो है, ये गारो खांसी जयंतिया बेसिकली ट्राइब्स है जो आपका मेघालय जो मौजिनराम वाला इलाका है, या कहीं चेरापूंजी जो है वो आपका खासी हिल्स में आता है। एनीवेज, वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है गारोज ऑफ मेघालय का, और ये विंटर्स के शुरुआत को सिग्निफाई करता है, अच्छी कह लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन को सेट सिग्निफाई करता है। सो वांगला फेस्टिवल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज इन ऑनर हेल्ड इन ऑनर ऑफ सेलजोंग। सेलजोंग मतलब सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। एंड सेलिब्रेशन ऑफ वांगला फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टॉयल और विच ब्रिंग्स गुड आउटपुट टू द फील्ड्स, ठीक है, ये आपका ऑनसेट ऑफ विंटर को भी शो करता है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो वहाँ के कह लीजिए गारो ट्राइब्स हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो पहला जो दिन होता है उसको रगुला भी कहते हैं, विच इज परफॉर्म्ड इनसाइड द हाउस ऑफ द चीफ, जो भी हेड होता है वहाँ के गाँव का उसके घर में होता है। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है उसको कक्कड़ बोलते हैं, ठीक है जी। इसका वो कक्कड़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यंग एंड ओल्डर सेक्शंस ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लोथ्स विद फेदर्ड हेड गियर डांस टू द ट्यून ऑफ म्यूजिक प्लेड ऑन लॉन्ग ओवल शेप्ड ड्रम्स, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी न्यूज, रिटेल इन्फ्लेशन इजीज टू 6.77% इन अक्टूबर। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है सर, इस बार स्टार्टिंग से ये प्रिपरेशन करने आए हैं। नहीं सर, तमलोंग अलग और इम्फाल अलग है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है जी। विद्यासागर चौंगथम, धन्यवाद। क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से न्यूज़ ली गई है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी गलत है, तो ये इससे ये पता लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ठीक है जी। चलिए, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन विच इज मेजर्ड बाय द सीपीआई फेल टू 3 month लो ऑफ 6.77% इन अक्टूबर, डाउन फ्रॉम 7.41% इन अक्टूबर, ड्यू टू वीकर फूड प्राइसेस एंड अ स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर बेस। यस, अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, ठीक है जी, अगर रिसेशन आता है या कह लीजिए ग्रोथ कम होती है तो क्यों बढ़ाया जाता है? बेटा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई चल रही है, इसको कंट्रोल करना है। अब आप पूछेंगे यही हमारे लिए बैलेंस है कि हमें इन्फ्लेशन कितना रखना है और ग्रोथ कितना रखना है। जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ भी कम होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्रोथ भी बढ़ता है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो उससे ग्रोथ नहीं बढ़ता है। तो आपको सर्टन एक बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, वो कहते हैं ना पैसे को खाता है, कैसे, महंगाई डाइन खाए जाता है। तो महंगाई डाइन कैसे खाती है? सो बेसिकली आपके पैसे को, जैसे मान लीजिए 10% इन्फ्लेशन है, तो जो सामान आप पिछले साल 100 रुपए में खरीद पा रहे थे वो इस बार 110 में खरीद पा रहे हैं, आपकी इनकम उतनी बड़ी नहीं है, तो नेट इनकम डिक्रीज हो रही है, या कह लीजिए जो आपकी सेविंग्स हैं वो ईटअप होती जा रही हैं, जल्दी खत्म होती जा रही हैं। सो दैट इज, इसकी वजह से जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, जो बीपीएल पॉपुलेशन है या मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसीलिए आपको पहले इन्फ्लेशन को एक मैनेजेबल लिमिट में लाना है, जिसको हम जनरली आरबीआई 2-6% कहता है, ठीक है जी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आइडली मॉनेटरी पॉलिसी एक एक्सटेंट तक ही होनी चाहिए और एक्सटेंट तक ही यूजफुल होती है। आइडली आपका फिस्कल पॉलिसी होती है विच इज द टैक्सेशन पॉलिसी, ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो दैट शुड बी द लॉन्ग टर्म विजन, के जिस तरीके से हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और जिसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की कोशिश की जाती है, जिसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। बट दैट इज अ स्लो फिनोमिना, मतलब आप अब उसकी वेट नहीं करेंगे। तो इमीडिएट क्या होता है, इमीडिएट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट जो पूछ रहे थे कि ग्रोथ को अगर रिसेशन, या ग्रोथ नॉट जस्ट रिसेशन, रिसेशन अगेन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो गई,
मतलब ग्रोथ कम नहीं हो रही, नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। और दो क्वार्टर्स तक, जल्दी एक स्टैंडर्ड है कि दो क्वार्टर्स तक अगर लगातार नेगेटिव ग्रोथ है, दैट मींस रिसेशन आ गया है। ठीक है, सरकारी नौकरी इन्फ्लेशन का एक कोरोना हो सकता है, कैरोना हो सकता है, मतलब सुदीप्ता नहीं समझा मैं, क्या हो सकता है दोबारा से लिखो। ओके, आगे चलते हैं। सो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है, दैट इज द, दिस इज द 10th कंसेक्यूटिव टाइम जहां पर सीपीआई प्रिंट हैज कम अबव द आरबीआईज बैंक अपर मार्जिन। तो मैंने आपको बताया है 4 ± 2% आरबीआई कहता है, दैट इज 2 to 6%। ठीक है, 2 to 6% को इन्फ्लेशन को हम बिल्कुल ठीक मानते हैं कि ये टॉलरेंस लिमिट में है, टॉलरेंट लिमिट में है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड आरबीआई टू मेंटेन रिटेल इन्फ्लेशन एट 4% विद अ मार्जिन ऑफ 2% ऑन ईदर साइड, एंड द ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन व्हिच अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द सीपीआई बास्केट कम्स एट 7% इन अक्टूबर, ठीक है, एज अगेंस्ट द 8.6% इन द प्रीसीडिंग मंथ। तो रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको जिसको हम सीपीआई इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, वो 7% पे आ गया है। तो धीरे धीरे कंफर्टेबल लिमिट में आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इस न्यूज में क्या लिखें, इस न्यूज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वो कम आ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में हमें जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, रिटेल प्राइसेस को देखता है, जो आप और मैं जो एज ए रिटेल कस्टमर्स दुकान से जाकर सामान खरीदते हैं, तो इसमें रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, WPI में क्या दिक्कत है, WPI में सिर्फ गुड्स को लिया जाता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है जो हमारी डेली कंजम्पशन के लिए यूज होती है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, जो कि यूज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक के द्वारा, या कह लीजिए सेंट्रल बैंक के आरबीआई के द्वारा, ताकि किस तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। सो सीपीआई स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है पीरियड्स ऑफ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स के लिए उनकी डे टू डे एक्सपेंसेस को लेकर। इफ देयर इज इन्फ्लेशन, गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट मोर, सीपीआई विल राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ये ड्रॉप करता है, दैट मींस डिफ्लेशन हो रहा है। क्लियर। क्वालिटेटिव टूल्स भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, यस देखो, बट ये चीजें लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है। सीबीआई रिलीज बाय, यस, WPI रिलीज बाय इकोनॉमिक एडवाइज, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स में। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अनाउंस किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गोज टू टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरत कमल। तो सबसे पहले तो कमल जी को देख लीजिए आप, ठीक है। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि ये अवार्ड जो है राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा ऑन 30th ऑफ दिस मंथ। टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल को चूज किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो कि बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम से रखा गया, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है लगभग 25 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा, जिसमें सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, निखत जरीन, ठीक है, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ये दिया जाएगा। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच को दिया जाता है, ठीक है जी, बेस्ट कोचेस को दिया जाता है। तो 5 कोचेस को चुना गया है इन द रेगुलर कैटेगरी, 3 कोचेस इन द लाइफ टाइम कैटेगरी। सो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स विल बी गिवन टू 4 स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे अश्विनी अकुंजी सिंह, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश एंड नील बहादुर गुरु, ठीक है। 3 एंटिटीज को चुना गया है, ट्रांसटीडिया इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए भी रिकमेंड किया गया है। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विल बी गिवन टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एट GNDU अमृतसर। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज अवार्ड एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स, ठीक है जी, ठीक है। डिमांड कॉस्ट पोल इन्फ्लेशन, अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। चाइना अलग लेवल पे बातचीत कर रहा है। चाइना कह रहा है कि हम जो है बंदरों को भेजेंगे कहां पर, स्पेस में।
ठीक है जी, स्पेस में बंदरों को भेजेंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो मतलब रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा। अब ये जो मॉड्यूल है वेंतयान हाउसेस अ रूम टू स्टडी एल्गी, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो हमने पहले भी न्यूज में पढ़ा है किस तरीके से चाइना अपना एक स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, लगभग तैयार कर चुका है त्यांगोंग। अब यहां पर स्पेस में या कह लीजिए जीरो ग्रेविटी में किस तरीके से जानवर वहां पर ग्रो करते हैं ये देखना चाहता है चाइना। सम रिसर्च इन दिस फील्ड हैज शोन फर्दर नेगेटिव इंपैक्ट्स बीइंग इन स्पेस ऑन टेस्ट एनिमल्स। हाई कॉस्मिक रेस किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एग्स को, स्पर्म्स को इफेक्ट करेंगे। जीरो ग्रेविटी को डैमेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किस तरीके से लीड टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन सेक्स हार्मोन लेवल्स ऑफ द एनिमल्स, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। देखिए ये तो खैर लाइटर नोट पे है बट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि भारत को भी डेफिनेटली इसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में अब चाइना जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। सो स्टडीज एनालाइजिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ मॉनिटरिंग डाटा ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। अब स्टडीज ने जो लॉन्ग टर्म हेल्थ मॉनिटरिंग डाटा है एस्ट्रोनॉट्स का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है वो ये शो करता है कि जो उनका लेवल ऑफ हार्मोन्स हैज रिमेन्ड स्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर इन ऑर्बिट। और सिंस मंकीज शेयर सिमिलैरिटीज विद ह्यूमंस द रिसर्चर्स आर ऑप्टिमिस्टिक। अब क्योंकि मंकीज है ना, हम कहते हैं कि जी वेरी सिमिलर, ठीक है, जो डीएनए कॉम्पोजिशन है दैट इज वेरी सिमिलर, क्या ही फर्क पड़ सर चाइनीज फूड। अरे कंट्रोल, ठीक है जी, बंदर ही क्यों। अंकिता, वेरी गुड पॉइंट अंकिता गांगुली, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिनों बाद बहुत बहुत स्वागत। तो यहां पर जो आपका मंकीज को, इसलिए क्योंकि हम डीएनए कॉम्पोजिशन में बहुत सिमिलर पाते हैं मंकीज को, ठीक है, दैट इज द रीजन। तो यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि उनके हार्मोनल चेंजेस क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम काफी हद तक ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के हार्मोनल चेंजेस भी आपको उसी लेवल पर देखने को मिलेंगे। सो रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस वर प्रीवियसली कंडक्टेड ऑन माइस बाय द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब यहां पर जो वेंशन मॉड्यूल है चाइना के द्वारा वो यहां पर ये भी स्टडी करेगा, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उस पर ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो चाइनीज स्पेस स्टेशन विद इन फ्यू आवर्स इट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट्स, जिससे कि लाइफ साइंसेज, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग कंडीशन में। ओके, थोड़ा सा कंट्रोल करो। टू सी हाउ दे ग्रो एंड इवन रिप्रोड्यूस इन स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया चैलेंजेस ऑफ लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट इन स्पेस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ एनिमल। जैसे जैसे एनिमल का साइज बढ़ता है उसका स्पेस में जो कह लीजिए जो मतलब उसको लेकर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे कि ये भी चैलेंज होगा कि किस तरीके से जो वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज होगा देखने वाला। तो इस पर चाइना रिसर्च करने जा रहा है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट न्यूज है नासा प्लान्स टू लॉन्च आर्टिमिस 1 ऑन 16 नवंबर 2022 ऑन फ्रॉम फ्लोरिडा। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है इट प्लान्स टू लॉन्च इट्स न्यू मेगा रॉकेट मिशन आर्टिमिस 1 टुमारो फ्रॉम फ्लोरिडा। तो यहां पर आफ्टर टू फेल्ड अटेम्प्ट्स नासा इज प्लानिंग द फर्स्ट लॉन्च ऑफ स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। मकसद ये है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को मून और मार्स पर भेजा जाए। सो आर्टिमिस 1 विल बी द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ नासा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स। अपॉइंटमेंट्स में तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले री इलेक्ट किए गए हैं आईसीसी के चेयरपर्सन। सो बार्कले ऑकलैंड बेस्ड कमर्शियल लॉयर, ओरिजिनली अपॉइंटेड एज आईसीसी चेयर इन नवंबर 2020। ही वॉज प्रीवियसली द चेयर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, उनको डायरेक्टर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 भी बनाया गया था। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले यूनानिमसली री इलेक्ट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी फॉर अ सेकेंड 2-year term, 2 साल के लिए दोबारा से उनको चुना गया है। डिफेंस में 18th एडिशन इंडिया यूएस ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 शेड्यूल किया गया है उत्तराखंड में। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, युद्ध अभ्यास 2022
और मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूएस उत्तराखंड में जाकर क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर है चाइना के साथ। ये ऐसा कहा नहीं गया है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड यूएस विद द एम ऑफ एक्सचेंजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू नेशंस। इसके अलावा द प्रीवियस एडिशन जो है वो हुआ था यूएस में, अलास्का में। यूएस आर्मी सोल्जर्स ऑफ सेकेंड ब्रिगेड 11th एयरबोर्न डिवीजन वो हिस्सा लेंगे, और हमारे जो सोल्जर्स हैं फ्रॉम असम रेजिमेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडिया यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 होने जा रही है, कहां पर? उत्तराखंड में। हां जी नितेश, द ट्रेनिंग शेड्यूल फोकसेस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन मैंडेट, और जो ट्रूप्स होंगे दोनों देशों के विल वर्क टूगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स IFFI 2022 में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कार्लोस सौरा। स्पेनिश डायरेक्टर एंड राइटर कार्लोस सौरा विल बी कॉन्फर्ड सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 अपकमिंग 53rd एडिशन ऑफ IFFI। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया काफी फेमस है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करवाया जाता है, गोवा में हर साल होता है, और इसमें जो अवार्ड है ये स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज, यहां पर कंप्लीट होती है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। व्हाट इज द थीम ऑफ 17th समिट ऑफ G20 हेल्ड इन बाली? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्ग, पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर 21st सेंचुरी फॉर ऑल, बिल्डिंग कंसेंसस एंड फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पावन लाइव है और 37 लाइक है, बहुत ना इंसाफी है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कल ही हमने डिस्कस किया है। यस आंसर इज यर ए, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नतासा पिर्क मुसार हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? स्वीडन, स्लोवेनिया, न्यूजीलैंड, बोलीविया। हाँ जी, नताशा पिर्क मुसार, नताशा जो है जिसमें एक, अच्छा ठीक है जी, अब एकदम बढ़ गए, क्या बात है, सब लोग मतलब ओके। हाँ जी, नताशा पिर्क मुसार जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज बी, स्लोवेनिया। बहुत इजी, 46% ने आंसर सही दिया, भाई साहब गजनी का भी मेमोरी जो था वो 15 मिनट था, कई बच्चे तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चल रहे हैं। होस्ट विच कंट्री टू होस्ट IBSA ब्लाइंड फुटबॉल वुमेन्स एशियन ओशियाना चैंपियनशिप 2022? साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान। ठीक है जी, ये कल ही हमने डिस्कस किया था, ये कौन है? कृपया करके जो 54% हैं जिन्होंने गलत दिया है वो अपना CV जो है आमिर खान जी को भेजें गजनी पार्ट 2 के लिए।
यस आंसर इज योर इंडिया। अच्छा संजय सिंघानिया नॉट गजनी, ओ सॉरी सेवन से, क्या बात है नितेश। सेवन्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंक्लूडेड एट एयर स्टेशन जोधपुर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? वरुण 3, मित्रता, वेधा, गरुड़। ठीक है जी। बीस टीम पार्ट ले, अच्छा ठीक है। सेवेंथ एडिशन बायलेटरल एक्सरसाइज, अरे देखो ऐसी न्यूज में ना 90% से शुरू होता है। मतलब पहले क्या दिखाता है कि 90% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, एकदम ड्रॉप करता है 70% पे, फिर 60% पे आ जाता है। ठीक है हाँ जी, आंसर है आपका गरुड़। सो दैट इज इट, 62% बच्चों ने, 61% ने आंसर सही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके आप टीम निष्ठा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर बहुत सारे फ्री क्विजेस हैं, सितंबर और अक्टूबर के मैंने फ्री क्विजेस ऑलरेडी डाल दिए हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी के बहुत सारे फ्री क्विजेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज भी है, इसके अलावा कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा कई बार सारे बच्चे जो हैं मेरे से फर्दर कोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं कि कब से नया नया बैच शुरू होगा। सो टेंटेटिवली जो नया बैच है वो आपका शुरू हो जाएगा मिड दिसंबर से। ठीक है, मिड दिसंबर से होपफुली शुरू हो जाएगा आपका नया बैच। तो जैसे ही होगा उसकी डेट्स क्या होंगी, क्या होगा सब कुछ, मैं उसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर सेशन में भी बताऊंगा। डोंट वरी, थैंक यू सो मच। सो ये है आपका फेसबुक, इंस्टा, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। संदीप बंसल ऑफिशियल पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। संदीप बंसल ऑफिशियल पर आप मेरे को @gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं PDF शेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाइए। ठीक है, इंडिया सेमीफाइनल में हार गया है, इससे कोई मतलब ठीक है, खेल है, हार जीत चलती रहती है, पर खुश रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच नितेश, बिस्वा, काफका, मानसी, अभिराज, और कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस 9 बजे करंट अफेयर्स के लिए। एंड अच्छा एक बात और, प्लीज जो बच्चे नए हैं, मतलब जो बच्चे नए हैं सेशंस में जिनको नहीं पता है, वो करंट मतलब यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट है आपकी, जैसे इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने कई सारे कंसेप्ट्स की वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि आपका प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, पॉलिटी में केशव नंदा भारती के इसको बहुत डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो उन सारी जो फ्री वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, अरे